Friends, welcome to our YouTube channel, What and Let. And today uh, we'll see the next video in the series of the video lectures on microprocessors. So our today's topic is the functional pin diagram of 8085. It is a very important topic as it is generally asked in the examination and sometimes the particular. Pins are uh, mentioned in the exam, or if you have to write the functions of those pins, it will also gi uh, uh, give you a clarity towards the understanding of uh, processor 8085. Fine. As you can see that there's a 40 pin DIP is what we say 40 pin dual inline package. So it, it has 40 pins, and some pins are you know uh, they have they are in a direction in input to the processor, and some are you know, they are going out from the processor. So we'll understand this. There are several pins over here. The First of all, you can see that uh, there are, these are your data pins, AD0 to AD7, address data bus, low order address data bus, which is time multiplex because we have studied about the uh, address data bus, uh, address and data buses in the last uh, video lectures. We know that the address data bus is bi-directional and you know, Uh, it, it is you know uh, time multiplexed and the same lines are used for address bus uh, then they are unidirectional and the same lines are used for data bus so, then they are bidirectional fine this AA2A15 is your uh, high order address bus over here तो 16 पिंस तो यही हो गई इस तरीके से सब छोटी छोटी पिंस हैं सबका कुछ कुछ फंक्शन है ठीक चलिए देखते हैं तो इसको इन्होंने हमने क्या बोलते हैं कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है तो ये फोर्टी पिंस जो है वो हम बात करेंगे पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल सो फर्स्ट इज पॉवर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल डेटा बस एंड एड्रेस बस सोलह तो बिन्स इसमें आ जाएंगे बस सम सिग्नल कंट्रोल बस कुछ इंटरप सिग्नल हैं इनके बारे में बात होगी सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल डीएमए सिट सिलॉन्ग दिस सबसे पहला है हमारे पास वी है पिन दैट इज अ पिन वी सी सी इट रिक्वायर्स अंगल वोल्ड पॉवर प्लस फाइव वोल्ड पावर सप्लाई वी एस एस इज फॉर ग्राउंड डिफरेंस एंड यू ऑल नो दैट प्रोसेसर रिक्वायर्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू ऑपरेट तो जो एक्स वन और एक्स टू होती है ये ऑसोलेटर पिन्स होती है इनका बेसिकली काम होता है कि यही वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है जो आपके क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रेंड्स जितनी ये जनरेट करती है इंटरनल क्लॉक रजिस्टर होता है वो उसको क्या कर देता है डिवाइडेड बाय टू कर देता है यानी कि देखिए ट्यून आर सी सर्किट जो है वो सर्किट जो है एलसी और आरसी क्रिस्टल्स और स्लेटर सर्किट एक्स वन एक्स टू से कनेक्टेड होगा तो मान लीजिए अगर वो छह मेगा बना रहा है तो इंटरनल क्लॉक जनरेटर उस फ्रीक्वेंसी को दो से डिवाइड कर देगा और प्रोसेसर की जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी थ्री मेगा होगी अगर ट्यून क्रिस्टल सर्किट ने छह बनाया अगर क्रिस्टल सर्किट फाइव मेगा बना रहा है तो प्रोसेसर जितने पे काम करेगा उसके आधे पे काम करेगा यानी कि प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2.5 यानी कि x1 x2 पिन से जितनी फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी और उस पे प्रोसेसर काम करेगा ठीक जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम 2.5 मेगाहर्ट्ज या 3 मेगाहर्ट्ज लेते हैं ठीक क्लॉक आउट क्लॉक आउट क्या है दोस्तों द क्लॉक द सिग्नल इज यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस ठीक जब प्रोसेसर की क्लॉक uh, को आपको सिस्टम क्लॉक को अदर डिवाइसेस के uh, कि के क्लॉक के उपयोग में लाना हो तो आप क्लॉकआउट को यूज करते हैं इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक अब आ गया इस पर देखिए ये सोलह लाइंस तो इसमें ही कवर हो गई हमारी एड्रेस और डेटा बस हमें पता है ये बात बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि देखिए एड्रेस और डेटा बस क्या होता है एड्रेस बस सिक्सटी बिट्स की होती है जो कि यूनि डायरेक्शनल होती है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है माइक्रोसेसर से बाहर ठीक और माइक्रोसेसर से बाहर वो ट्रैवल करती है या तो वो मेमरी में जाएगी या तो वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पर जाएगी रीड करने के लिए ठीक और अब आप अगर बात करें तो हाई ये दो भागों में डिवाइडेड होती है एक होती है आपकी लो ऑर्डर टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस और एक होती है आपकी हाई ऑर्डर एड्रेस बस तो हाई ऑर्डर एड्रेस बस तो जो एट से ए फिफ्टीन है ये यूनिट डायरेक्शनल लाइन है और ये क्या कैरी करती है अपर हाफ ऑफ द दिक्सटीन बिट एड्रेस अपर हाफ मतलब देखिए एक सिक्सटीन बिट का एड्रेस है तो आठ बिट उसकी अपर uh, हाफ़ है और लो और बाकी के आठ बिट उसकी लोअर हाफ है तो जो आठ बिट अपर हाफ है वो किस पे ट्रैवल करता है वो ट्रैवल करता है आपका

इसमें ये बिहेव करती है एक लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह और उसके बाद बाकी की स्टेट्स टी स्टेट्स में ये बिहेव करती है इट बिहेव लाइक अ हाई ऑर्डर सॉरी इट लाइक अ डेटा बस ठीक और ये तब टॉपिक तब ज्यादा बे, बेटर क्लियर हो पाएगा जब हम मशीन साइकिल्स के बारे में भी जानेंगे ठीक तो कुल मिला हमें इतना पता है कि प्रोसेसर के अंदर टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस होती है एटी नॉट से एटी जो क्या करती है जिस पे ट्रैवल करता है आपका लो ऑर्डर एड्रेस और कुछ समय के लिए कुछ कुछ समय के बाद यही बाय डायरेक्शनल डेटा बस की तरह बिहेव करती है और ए A8 से ए A15 इस पे ट्रैवल करता है आपका हाई ऑर्डर एड्रेस यानी कि 8 बिट्स ऑफ हाई ऑर्डर एड्रेस ऑफ 16 बिट एड्रेस ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब फ्रेंड्स आगे आता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल

Uh, होते हैं आपके आर डी बार और डब्ल्यू आर बार ठीक देखिए प्रोसेसर uh, जो क्या होता है कंट्रोल सिग्नल्स बेसिकली आपका जो uh, काम है इनका वो ये काम है सिग्नल्स आर बेसिकली यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन दी प्रोसेसर एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट अब देखिए प्रोसेसर कम्युनिकेशन किससे करेगा या तो मेमोरी से करेगा या इनपुट आउटपुट पोर्ट से करेगा ठीक यदि प्रोसेसर uh, कम्युनिकेशन करने कर में प्रोसेसर को रीड करना है मान लीजिए कोई चीज उसे मेमोरी से रीड करनी है या इनपुट आउटपुट पोर्ट से रीड करनी है तो आर डी बार पिन पे आप लो अगर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब प्रोसेसर रीड ऑपरेशन कर रहा है ठीक और यदि आपको कुछ राइट करना है मेमोरी में या इनपुट आउटपुट पोर्ट में तो आप आरडी तो आप डब्ल्यू आर बार को लो करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा देखिए क्या लिखा हुआ लो ऑन द बस लो ऑन डब्ल्यू आर बार इंडिकेट्स दैट द डेटा मस्ट बी रिटर्न फ्रॉम दिस इन टू सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन और और इनपुट आउटपुट पोर्ट वाया डेटा बस यानी कि देखिए पढ़ना हो अगर रीड करना हो प्रोसेसर को तो आरडी बार को लो करेगा और अगर उसे राइट uh, करना है तो डब्ल्यू आर बार हो जाएगी ठीक सिमिलरली अब ये मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर दो लोगों से कम्युनिकेशन कर सकता है या तो मेमोरी से करेगा या इनपुट आउटपुट पोर्ट से करेगा तो वो कम्युनिकेशन यदि मेमोरी से हो रहा है तो ये आईओ एम बार जो पेन है आईओ एम बार पेन है अगर एम इसकी वैल्यू जीरो है यानी कि कम्युनिकेशन इज विध दी ठीक और यदि इसकी bar पेन की वैल्यू वन है इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर का हो रहा है वो किससे हो रहा है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट से हो रहा है अब ये कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है या रीड या राइट ये डिपेंड करेगा रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है ये डिपेंड करेगा आपका आर डी बार और डब्ल्यू आर बार पर ठीक आगे बढ़ते हैं मूविंग ऑन Next, we have these status signals S1 and S0.

दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर के लिए कि नहीं और यदि वो रेडी नहीं है तो प्रोसेसर उसको वेट करता है ठीक तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू सिंक्रोनाइज़ द स्लोअर पेरिफेरल्स टू दी माइक्रो प्रोसेसर ठीक तो यानी कि प्रोसेसर अपने स्लो पेरीफेरल के साथ करने के लिए रेडी सिग्नल को यूज करता है ठीक चलिए ये मैंने आपको बताया अभी देखिए और यही मशीन साइकिल्स हैं जो मैंने आपको बताई इन्हीं के हम इन्हीं के डायग्राम एग्जामिनेशन में आते हैं कि मशीन साइकिल्स के डायग्राम ड्रॉ करो तो वहां पर भी हमें ये टेबल का बहुत उपयोग आएगा एंड वी विल हेल्प विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी विल बी एबल टू ड्रॉ द मशीन साइकिल्स एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो जस्ट नो दैट वॉट इज ऑपकोड ऑपकोट फैच दोट आई एम बार

ट दैट द प्रोसेसर आई एन टी आर इंटरप्ट देखिए प्रोसेसर को जो इंटरप्ट मिलेगा वो आई एन टी आर फिन पे मिलेगा और अगर प्रोसेसर उसको एक्नोलेज करना चाहता है तो प्रोसेसर अपने जो जो डिवाइस उसे इंटरप्ट कर रही है वो इंटरप्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे बताएगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे इंटरप्ट को एक्नोलॉल कर लिया है ठीक देखिए प्रोसेसर में जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम एट जीरो एट फाइव में एक इंटरप्ट सिग्नल्स का अलग से टॉपिक पढ़ना होता है हमें एग्जामिनेशन में अलग से टॉपिक आता है तो हमें फिलहाल इतना जाना जरूरी है कि इंटरप्ट होते क्या है देखिए जब प्रोसेसर को इंटरप्ट किया जाता है तो प्रोसेसर अपना करंट एग्जीक्यूशन जो कर रहा होता है उसे कंप्लीट करने के बाद वो एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है ठीक और फिर वापस लौट के कहा जाता है फिर वो वापस लौट के जहां से उसने छोड़ा था वहां से वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है ठीक तो देखिए इंटरप्ट आपके आपके पास लिखे हुए ट्रैप और ठीक सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो सारे इंटरप्ट हैं ये सारे मास्केबल हैं मास्केबल मतलब मास्केबल मतलब कि यदि प्रोसेसर चाहे तो इन्हें एक्नॉलेज करे चाहे तो इन्हें एक्नॉलेज ना करे यानी कि इन्हें हम इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन ट्रैप एक लौता है यहाँ पर ट्रैप 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है ठीक तो ये ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है तो प्रायोरिटी की बात करें तो और प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी ट्रैप की हाइएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप के बाद होती है फिर आपकी आर एस सी सेवन पॉइंट फाइव की प्रायोरिटी उसके बाद होती है आपकी की, priority, फिर होती है 5 .5 की और फिर आई एन टी आर ठीक चलिए तो ये अब डिटेल में हम पढ़ेंगे sections, तब हम जानेंगे फिलहाल इतना जान लीजिए कि कि ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और बाकी सारे इंटरप्ट मास्केबल है और ट्रैप की प्रायोरिटी हाईस्ट है ठीक चलिए आगे आगे कौन से सिग्नल्स हैं आगे सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हैं सो एस आई डी इज यूज फॉर सीरियल इनपुट डेटा दिस सिग्नल इज यूज टू एक्सेप्ट सीरियल डेटा बिट बाय बिट फ्रॉम दी एक्सटर्नल डिवाइस ठीक तो इस पिन पर प्रोसेसर बिट बाय बिट डेटा रिसीव कर सकता है एक्सटर्नल डिवाइस से एसओडी दिस इज आउटपुट सिग्नल विच एनेबल ट्रांसमिशन ऑफ सीरियल डेटा बिट बाई बिट टू दर्नल डिवाइस ठीक है तो यदि सीरियल डेटा इनपुट लेना हो तो ऐसा आई डी पेंसिल ले लेंगे और यदि सीरियल डेटा आउटपुट भेजना हो प्रोसर को तो वो एज जीरो फाइव में एसओडी पेंसिल लेगा ठीक फिर डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये भी एक पेरीफेरल डिवाइस का टॉपिक है इसमें क्या होता है जब एक पेरीफेरल प्रोसेसर से उसकी आ, ब, एड्रेस बस को या डेटा बस को यूज करना चाहता है मांगता है तो वो होल्ड के थ्रू मांगता है ठीक तो दिस सिग्नल इंडिकेट्स दट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग फॉर द यूज ऑफ एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस ठीक और अगर प्रोसेसर उसे देना चाहता है एक्नोलेज कर रहा है उसकी इस रिक्वेस्ट को तो वो क्या करेगा एक हाई एक्टिव सिग्नल भेजेगा जिससे पता चलेगा कि हाँ आपकी होल्ड रिक्वेस्ट को हमने एक्नोलेज कर लिया सिमिलरली जैसे इंटरप्ट वाले में था कि आई एन टी आर पे आया और आई एन टी ए से आपने एक्नोलेज कर दिया ठीक चलिए और अब लास्ट जो होते हैं वो रीसेट सिग्नल्स होते हैं सबसे पहले आपका रीसेट इन बार ये आपका एक्टिव लो सिग्नल है यदि आपने इस पर लो कर दिया तो आपका प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा रीसेट हो जाएगा तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं ध्यान रखिए प्रोसेसर का

Uh, अपने एक्सटर्नल डिवाइस को तो वो इसे यूज कर सकता है दिस डिवाइस इज एक्टिव हाई सिग्नल इंडिकेट दैट द प्रोसेसर इज बीइंग द इज सिंक्रोनाइज्ड टू द प्रोसेसर क्लॉक एंड इट कैन बी यूज्ड टू सेट रीसेट द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड इन दिस सिस्टम जैसे कि मैंने कहा कि प्रोसेसर को जब बाकी डिवाइसेस जो कनेक्टेड है उससे उन्हें रीसेट करना होता है तो वो रीसेट आउट पिन की हेल्प से उसे रीसेट कर सकता है फाइन सो दिस वाज योर the pin diagram of 8085 and after the topic of pin diagram now see uh, we have we have covered at least four uh, four, uh, four to five lectures now you can say that the complete architecture of uh, 8085 is over प्रोग्रामिंग मॉडल इन दी अर्लियर आपने प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में देख लिया आपने उसके रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा फिर आपने बसेस के बारे में देखा प्रोसेसर की और फिर आपने उसके पिन डायग्राम को भी देख लिया तो जो आर्किटेक्चर था वो पूरा ऑलमोस्ट हमारा कम्प्लीट हो चुका है नाउ यू विल मूव ऑन टू द एड्रेसिंग मोड्स एंड दी प्रोग्रामिंग पोर्शन दैट इज योर इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ एट जीरो एट फाइव सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो और अगले लेक्चर में हम बहुत प्रोग्रामिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे तो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे एट जीरो एट फाइव का और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि उसके एड्रेसिंग मोड उसको भी पढ़ेंगे ठीक सो थैंक यू सो मच स्टे विथ एस